Aam Aadmi Party's MLA from Ropar in Punjab, Amarjeet Singh Sandoa, was allegedly attacked on Thursday by the goons of mining mafia near Nurpur Bedi in Ropar district. जो पहला भी कई बार सरकार को लिख के दे चुके ने मैं प्रिविलेज कमेटी के होंदे हुए भी मैं आपके राही भी दी है पर सरकार ने 1% भी उत्ते गौर नहीं की ये बहुत मंदभागी घटना है मैं पुरजोर अपील करा सीबीआई तो मतलब जांच होनी चाहिए है क्योंकि यह जड़ा बहुत लंबी फैलिया हुई द लैजिस्लेटर हैज़ बिन रश्ड टू जमेरा चंडीगढ़ The AAP MLA's turban was tossed up during the attack and even two of his security personnel were thrashed. देखिए जैसे कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमरजीत सिंह संदोआ जी रोजाना हर बार की तरह नाजायज माइनिंग के खिलाफ आवाज उठाते आए हैं तो इसी सिलसिले में जैसे 15 दिन पहले उन्होंने छापेमारी की थी और कुछ प्रशासन को वहां की मशीनें पकड़वाई थी तो प्रशासन 15 दिन बीत जाने के बाद भी कुंभकर्णी नींद सोया हुआ उन्होंने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया दो दिन पहले भी जब इस बारे में IDC साहब से बात की गई और उनको बताया गया कि आज भी वहाँ पर नाजायज माइनिंग चल रही है तो उन्होंने कहा कि ये आपका वहम है वहाँ पर किसी तरह की कोई नाजायज माइनिंग नहीं चल रही The latest incident comes 3 days after 2 employees of the Punjab's Forest Department were attacked by the San Mafia and 4 other officials had escaped with minor injuries.